इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस 2000 सेंटेंसेज 40 दिन और इंग्लिश आपके गुलाम। सो गाइस वीडियो नंबर 7 और डे 7 की वीडियो में आपका स्वागत है। साफ बात है टू बी फ्रैंक। नंबर 2, भगवान न करे, गॉड फॉरबिड। नंबर 3, ईश्वर ने चाहा तो, गॉड विलिंग। नंबर 4, यदि समय मिला तो, इंग्लिश में बोलेंगे टाइम परमिटिंग। शुभ रात्रि, इंग्लिश में बोलेंगे गुड नाइट। नंबर 6, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, इसको इंग्लिश में आप थैंक्स और थैंक यू भी कह सकते हैं। सुनिए, हेलो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। दोस्तों, क्यों नहीं एक पॉजिटिव वर्ड्स है और इसको हम अफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। जब हम किसी की बात से सहमत होते हैं तो वहां पर कहते हैं हम क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ठीक है, ओके और ओके। अरे वाह, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको कहते हैं अरे वाह, इंग्लिश में बोलेंगे वाओ। जी हां, यस सर और यस प्लीज। नेक्स्ट, अच्छा तो ये बात है, ओ आई सी। जी नहीं, जब किसी बात से आप असहमत होते हैं तो वहां पर कह सकते हैं जी नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे नो थैंक्स। कोई खास बात नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग स्पेशल। और कैसी कट रही है, कैसी कट रही है या आप कैसे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू। बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। जब कोई आपसे पूछेगा और कैसी कट रही है, वो बोलेगा हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब देते हैं बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाइट वेल। व्हाट अबाउट यू, देरी के लिए माफी चाहता हूं, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज मी फॉर डिले। कृपया अंदर आ जाइए, प्लीज कम इन। नेक्स्ट, कृपया बाहर निकल जाइए, स्टेप आउटसाइड प्लीज। नेक्स्ट, मेरे लायक कोई सेवा, तो इंग्लिश में बोलेंगे एनी सर्विस फॉर मी। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, बाकी सब ठीक है, रेस्ट इज फाइन, भगवान है, गॉड एग्जिस्ट्स। बस एक मिनट, आप कहते हैं ना किसी, बस एक मिनट, इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट ए मिनट। बड़ी खुशी से, विद ग्रेट प्लेजर, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे नो प्रॉब्लम। खैरियत तो है, इज एवरीथिंग फाइन, मेरी बात का बुरा मत मानना, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट माइंड ऑफ माई वर्ड्स, मुझे गलत मत समझो, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग। सब कुछ आपका ही है, इंग्लिश में बोलेंगे इट इज ऑल योर्स। मेरी सीट छोड़ो, इसको इंग्लिश में दो तरीके से बोलेंगे, वैकेट माई सीट या लीव माई सीट। अफसोस तो इस बात का है, अफसोस तो इस बात का है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज पिटी। कुछ तो करो, डू समथिंग, दफा हो जाओ। दफा हो जाने को इंग्लिश में बोलेंगे गेट आउट या गेट लॉस्ट। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बी ऑफ,
बी ऑफ, आसन ग्रहण कीजिए, हैव ए सीट, हैव ए सीट, किस लिए, व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर, कोई नुकसान नहीं है, नो हार्म, छोड़ो यार बस करो। जब दो आदमियों का झगड़ा हो रहा हो आपस में, या दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है, तो तीसरा व्यक्ति कहता है आकर, छोड़ो यार बस करो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई किस्सा होता है तो आप कह सकते हैं, ड्रॉप दिस, ड्रॉप दिस। आगे हम कहते हैं किस्सा खत्म करो या खत्म करो बात को, ड्रॉप दिस मैटर और ड्रॉप दिस टॉपिक। शांत हो जाओ या ठंडे दिमाग से काम लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कूल डाउन। धूप निकल रही है या धूप निकली हुई है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज सनशाइन, देयर इज सनशाइन। समय ही धन है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। भाग्य आपके साथ हो, बेस्ट ऑफ लक, आप सफल होवे, ऑल द बेस्ट और विश यू ऑल द बेस्ट। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट टू से, नथिंग लेफ्ट टू से। अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। थोड़ा और लीजिए, हैव ए लिटिल मोर, हैव ए लिटिल मोर। ठीक से कहो, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। मैं मजबूर हूं, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। वह अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। पर मुझे अभी चाहिए, बट आई वॉन्ट राइट नाउ, बट आई वॉन्ट राइट नाउ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो बाय बाय।